हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में, जो आने वाले टाइम में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो साउथ इंडियन बैंक का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों, और अगर मैं आप लोगों को अपनी बाइंग प्राइस बताऊँ जहाँ पर मैंने इसको बाइंग के लिए रिकमेंडेशन आपको दी थी, तो आप लोग नियर बाई 14 से 15 का जो एरिया है, ये वाला एरिया मैंने पूरा आपको बाइंग के हिसाब से दिया था दोस्तों। मैंने आप लोग क्लियरली बताया था, जब भी ये स्टॉक 14 या 15 के भाव के आसपास आएगा आप लोग इसके अंदर बाइंग कर सकते हो। आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, मैंने बढ़िया स्विंग ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे दिया था, स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड कर दिया था, रीजन लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताता हूँ दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो और समझ सकते हो, और अच्छे खासे स्विंग ट्रेड्स भी आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो नियर बाय 15-16 का एरिया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बाइंग दी थी। और टारगेट की बात करें ना दोस्तों, तो अभी भी इसके अंदर मेरा टारगेट पेंडिंग है। अगर मैं आप लोगों को टारगेट की बात करूँ तो नियर बाय 28 का जो एरिया है ना, ये अपना टारगेट होने वाला है इसके अंदर। जो लोगों ने ये स्टॉक होल्ड में पड़ा हुआ है तो वो लोग आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। और अपना फर्स्ट टारगेट मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। मतलब 18 रुपये का एरिया 15 रुपये के भाव के आसपास बाइंग करके, मतलब 20% की अपसाइड यहाँ पे से आपने आराम से 20-30-40% की अपसाइड आपने यहाँ पे कैप्चर कर ली है, जो लोगों ने मेरे वीडियो को देख के यहाँ पे बाइंग कर ली थी। अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो ये स्टॉक मुझे बहुत रडार के अंदर दिख रहा है। अभी ये लोगों बहुत सारे लोगों के नज़र में ये स्टॉक आ चुका है, क्योंकि इसने ना प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन जहाँ पे इसने पुल बैक दिया था ना वहीं से हमने इसको पकड़ लिया है दोस्तों। तो आप लोग इसके अंदर बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड इसके अंदर अभी आप लोगों को मिलता होगा। अभी जो लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है ना, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ के भाव के आसपास या 19 रुपये के भाव के आसपास भी आप लोग प्लेस करके रख सकते हो। आने वाले टाइम में ये स्टॉक 28 रुपये का एरिया और उसके बाद में 30-35 का भी एरिया आप लोगों को 35 से 35 रुपये के भाव के आसपास भी ये स्टॉक आप लोगों को जाते हुए दिख सकता है। मेरा तो इसके अंदर बहुत बढ़िया होल्डिंग पड़ा हुआ है दोस्तों, और ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। अभी अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो कर्नाटका बैंक एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, और कर्नाटका बैंक का स्टॉक जो है ना उसी तरीके से ये स्टॉक भी परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वो स्टॉक जो है ना 5-6% की डेली अपसाइड के साथ ऊपर जा रहा है, तो आप लोग आराम से ये वाला स्टॉक भी ऊपर जाते हुए देख सकते हो। और ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। ये स्टॉक साउथ इंडियन बैंक ये वाला जो स्टॉक है, ये बहुत बढ़िया अपर साइड आप लोगों के लिए लेके आ सकता है। स्टॉप लॉस की मैंने बात कर ली है, नियर बाय 19 से 20 रुपये का आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट मैंने आप लोग को बता दिया है, 28 रुपये का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, 36 रुपीज़ का जो एरिया है ये सेकंड टारगेट आपका होने वाला है। यहाँ पे आप लोग एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आइदर ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा, तो बेटर रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके रिएक्शन देख के। अगर ये स्टॉक इसको भी ब्रेकआउट करता है ना, फिर हम लोग इसको रिकंसिडर करेंगे। तो आप लोग स्टॉक के अंदर बने रहें, और जो लोगों को पोजीशन बनाना है वो आराम से बना सकते हो। 28 रुपये का एरिया और 36 रुपये का एरिया। अगर मैं आप लोगों को अपसाइड की बात करूँ तो यहाँ से 28 मतलब यहाँ से आप लोगों को 40% अपसाइड मिल जाएगी, और 35 का एरिया मतलब यहाँ पे आप लोग नियर बाय 70-80% अपर साइड यहाँ से और प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूँ। स्टॉक के अंदर टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 6 या 10 महीने का भी टाइम फ्रेम इसके अंदर लग सकता है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।